यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, हम लोगों ने अब तक के सारे सम्स को बहुत अच्छे से किया है। ओके, आप रिवाइज करने के लिए मेरे सारे लेक्चर्स, जो लेक्चर वन से है, कॉमन एडजस्टमेंट है, वो सारे लेक्चर्स देखो, आपको वापस से वो लेक्चर्स रिवाइज हो जाएंगे। आपको जो न्यू यूजर्स है वो देख सकते हैं कि आपने जो आपका जो भी लेक्चर वन है उसमें बेसिक कंसेप्ट जो है फाइनल अकाउंट्स का वो हमने किया है। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स अगर आपको सीखना है तो लेक्चर वन से देखो। लेक्चर वन से लेके हमने एक एक सम हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज का सम नंबर 6। ओके, एक्सरसाइज का सम नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो थोड़ा सा देखेंगे हम लोग क्या है, स्पीड में जाएंगे। अर्चना, क्लास म्यूट करो अपने आप को। अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। अर्चना और प्रेरणा पार्टनर्स है, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं? द रेशियो इज 2:1। यस क्लास, म्यूट करो अपने आप को। विघ्नेश तो ऐसा कर सकता है, म्यूट कर सकता है अपने आप को, सबको म्यूट कर दे विघ्नेश। ओके, पार्टिसिपेंट जाके आप म्यूट कर सकते हो। यस क्लास, विल स्टार्ट विद द सम। आपका पार्टनर्स शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1, मतलब जो नेट प्रॉफिट आएगा उस वो किस रेशियो में शेयर होगा? 2:1 में शेयर होगा। ठीक है, नाउ आपको क्या क्या दिया है? सबसे पहले स्टॉक दिया है, स्टॉक की दो वैल्यू दी है। क्लास, स्टॉक की कितनी वैल्यू दी है? दो वैल्यू। आपको दोनों वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको कौन सी वैल्यू लिखनी है? विच एवर इज लेस। ओके, मतलब मेरे पास कॉस्ट प्राइस है 12,000 और मार्केट प्राइस है 17,000, विच एवर इज लेस। तो कौन सा लेस है? 12,000। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहाँ का लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक 12,000 और बैलेंस शीट की एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 12,000। डन। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट की एसेट साइड। डोंट फॉरगेट क्लोजिंग स्टॉक। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हुए हैं। बेसिक कंसेप्ट अगर याद नहीं है, लेक्चर वन पे चले जाओ। ओके, आप लेक्चर वन प्रीवियस देख लो, आपको सब याद आ जाएगा। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट जो हमने दोनों साइड दे दिए, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट की एसेट साइड, दो इफेक्ट मेरे हो गए। नाउ नेक्स्ट, आर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज। मेरा एक कस्टमर है शेखर, उसने एक पैसा 800 रुपये जो ड्यूज उसके ऊपर था वो पे नहीं किया। क्लास, कस्टमर आपने एक मूवी देखी है, यू हैव सीन वन मूवी, ABCD, एक मूवी है ABCD जिसका फुल फॉर्म है एनीबडी कैन डांस। यस, एनीबडी कैन डांस। ओके, नाउ सी फॉर मेरे लिए, कॉमर्स के लिए सी स्टैंड फॉर कस्टमर एंड डी स्टैंड फॉर डेटर्स। ओके, सी स्टैंड फॉर कस्टमर एंड डी स्टैंड फॉर डेटर। व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट कस्टमर, जब वो कस्टमर्स के बारे में बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट में, समझ जाना कि वो डेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। एनीबडी कैन डांस कस्टमर का दूसरा नाम या डेटर्स का दूसरा नाम कस्टमर। ओके, तो सी और डी अगर आए तो याद रखना, कस्टमर मतलब डेटर्स, डेटर्स मतलब कस्टमर। ओके, तो आपको कस्टमर फेल टू पे, कस्टमर मतलब डेटर ने पैसा नहीं दिया। मैं कस्टमर नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी? डेटर को। डेटर ने पैसा नहीं दिया, डेटर ने पैसा नहीं दिया, कितना नहीं दिया? 800, कुछ नहीं, दैट इज वेट देयर। ओके, आपको इसमें दिया है, याद रहेगा, एनीबडी कैन डांस ABCD। ओके, सी स्टैंड फॉर कस्टमर एंड डी स्टैंड फॉर डेटर्स, डेटर्स का दूसरा नाम ये लोग कस्टमर्स भी बोलते हैं। ओके, तो बेड डेप्ट के बारे में बोला है फेल टू पे हिज ड्यूज। फेल टू पे हिज ड्यूज मतलब मेरा बेड डेप्ट है, कितने का बेड डेप्ट है? 800 रुपए का। तो चुपचाप ऊनो बनाएंगे बेड डेप्ट एडजस्टमेंट में। बेड डेप्ट से RDD जैसा दिखे तो हम लोग क्या बनाएंगे? ऊनो बनाएंगे, राइट? तो मैं ऊनो बनाती हूँ टू बेड डेप्ट्स ओल्ड प्लस बेड डेप्ट्स न्यू प्लस RDD न्यू माइनस RDD ओल्ड। ओके, सेम वे डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स माइनस बेड डेप्ट्स न्यू
माइनस आरडीडी न्यू, राइट, दो जगह न्यू आता है। अब इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट देख लें, फिल अप करने से पहले एडजस्टमेंट्स देख लूँगी, क्या कुछ अनरिकॉर्डेड सेल्स का है क्या, सारी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। 1A फिर तो पेटेंट इज रिटर्न ऑफ, पेटेंट के बारे में, फर्नीचर के बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में, आउटस्टैंडिंग के बारे में, इंटरेस्ट और कैपिटल के बारे में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, राइट। तो ओके डन, मतलब इसके अलावा बैड डेब्ट और आरडीडी में कुछ भी नहीं, सिर्फ बैड डेब्ट है, आरडीडी नहीं है इस बार। तो बैड डेब्ट ओल्ड, ओल्ड कहाँ से मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में से हम लोग ढूंढेंगे। ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट के बारे में दिया है, हाँ दिया है, कितना दिया है 200। क्या बैड डेब्ट न्यू एडजस्टमेंट में दिया है, यस, अभी हमने पढ़ा कितना 800। आरडीडी न्यू, न्यू कहाँ से मिलता है, एडजस्टमेंट में से, एडजस्टमेंट में आरडीडी के बारे में दिया है, नहीं दिया, डैश आरडीडी न्यू दोनों जगह डैश, राइट। नाउ आरडीडी ओल्ड, आरडीडी ओल्ड कहाँ से मिलता है, आरडीडी ओल्ड आपको मिलता है ट्रायल बैलेंस में से, राइट। आरडीडी ओल्ड दिया है, यस दिया है, कितना दिया है 500 दिया है, ओके। तो बैड डेब्ट न्यू यहाँ पर दिया है कितना था, बैड डेब्ट न्यू 800, तो यहाँ पर भी 800 लिख लेती हूँ। डेटर्स, चेक इट आउट क्लास, डेटर्स, डेटर्स, यस डेटर्स इज 18,500। ऑडिबल है सबको, सबको सुनाई दे रहा है क्लास, यस। तो हम लोग इसको फिनिश करेंगे, इसको बाहर आउट ऑफ कॉलम में लेके जाएंगे, 800 और 200 हजार, हजार में से 500 माइनस होगा तो बाहर जाएगा 500। सेम वे 18,500 में से प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड जो नहीं है और माइनस करेंगे 800, कौन सा 800 है, न्यू बेड डेप न्यू का, कितना 18,500 में से माइनस होगा 800, तो आपका आया 17,700। एनी डाउट्स क्लास, एनी डाउट्स, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1/8 ऑफ द पेटेंट इज टू बी रिटर्न ऑफ, 1/8 किसका, पेटेंट का, पेटेंट का 1/8 आपको रिटर्न ऑफ करना है, पेटेंट का 1/8 आपको रिटर्न ऑफ करना है। क्लास रिटर्न ऑफ इज नथिंग, जस्ट अ डेप्रिसिएशन, जैसे आप डेप्रिसिएशन लिखते हो ना वैसे ही उसका एडजस्टमेंट है। ये लोग क्या बोलते हैं, जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं ना मेरे, इनटेंजिबल एसेट मतलब जिसको मैं खाली, मैं देख नहीं सकती हूँ, मैं फील नहीं कर सकती हूँ, बट वो एसेट्स है, जैसे मैंने आपको बताया गुडविल, टच नहीं कर सकती हूँ, ओके, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट्स होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट्स। तो इनटेंजिबल एसेट्स को वो लोग डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते, क्लास इनटेंजिबल एसेट्स को वो लोग वर्ड डेप्रिसिएशन यूज नहीं करते, इनटेंजिबल एसेट्स को वो लोग रिटर्न ऑफ वर्ड यूज करते हैं। इफेक्ट मैडम, इफेक्ट सेम जैसे डेप्रिसिएशन देते हैं, ठीक है, वैसे ही लिखना है जैसे डेप्रिसिएशन देते हो, बस वो लोग इनटेंजिबल एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, रिटर्न ऑफ वर्ड यूज करेंगे। तो फिर C28 मेरा पेटेंट है, राइट है, पेटेंट कितना दिया है मेरे पास, पेटेंट 2000, क्लास पेटेंट लिखेंगे 2000, उसका 1/8 तो रिटर्न ऑफ करना है, 1/8 मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से और डिवाइड बाई 8, तो 1/8 मतलब 2, 2, 2, 2, अच्छा 8 की टेबल में जाता है 20, नहीं जाता, ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे करते हैं, 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 0, 0, 2 1 ज़ा और 250, ठीक है, तो मेरा कितना आया 250, तो मैं 250 रिटर्न ऑफ करूँगी। जब उन्होंने वर्ड डेप्रिसिएशन यूज़ नहीं किया तो मैं भी डेप्रिसिएशन यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन करूँगी माइनस ही, वर्ड क्या लिखूँगी, रिटर्न ऑफ, कितना 250, तो 2000 में से 250 गया, कितना आया 1750, राइट, कितना आया 1750। नाउ 1750, 250 का दूसरा इफेक्ट, सेम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन नहीं लिखना है, टू पेटेंट रिटर्न ऑफ लिखना है। मैडम अगर डेप्रिसिएशन लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्लियर, गलत हो जाएगा, रिमेंबर पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब के लिए, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड रिटर्न ऑफ, यू डोंट हैव टू यूज द वर्ड डेप्रिसिएशन, क्लियर, ओके। तो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करूंगी, इफेक्ट वैसा ही देना है जैसा डेप्रिसिएशन पे देते हैं, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, नाउ अ पार्ट ऑफ द फर्नीचर, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर रुपीज 5000
इज परचेज्ड ऑन अक्टूबर 2018 प्लस मेरा साल कहाँ खत्म हो रहा है, ट्रायल बैलेंस में दिया है 31 मार्च 2019 साल खत्म हो रहा है, लेकिन आपने एक फर्नीचर जो खरीदा है अक्टूबर 2018 में खरीदा है, कब खरीदा है, अक्टूबर 2018 को खरीदा है, राइट। तो नाउ क्लास, यस रुतिका, रुतिका इफ 10 मिनट्स इज लेफ्ट इट विल बी सीन इन योर स्क्रीन पे, आपको दिखेगा 10 मिनट्स लेफ्ट है, तो आप मुझे प्लीज दिख गया तो ठीक है, आप मुझे इन्फॉर्म अभी दिखा आपको, यस टाइम लिमिट रहता है, ओके मैं आपको फिर से लिंक भेजूंगी, अगर आपका 10 मिनट्स खत्म हो जाएंगे मैं आपको फिर से लिंक भेजूंगी, मैं ही भेजूंगी, ओके ना क्लास ध्यान दो, अब फर्नीचर क्लास ये एडजस्टमेंट मेरी हो जाएगी, फर्नीचर फर्नीचर कितने का ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, फर्नीचर मुझे दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, फर्नीचर मुझे दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में 13,000, ठीक है 13,000 का फर्नीचर दिख रहा है, तो क्लास जो 13,000 का मुझे फर्नीचर दिख रहा है ना उसमें से 5,000 का फर्नीचर, उसमें से 5,000 का फर्नीचर आपने अक्टूबर में खरीदा है, कब खरीदा है अक्टूबर में खरीदा है, तो बाकी 8,000 का फर्नीचर आपका शुरू से चल रहा है, वो उसके बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ 5,000 का फर्नीचर अक्टूबर में खरीदा है, तो मैडम अगर 5,000 का फर्नीचर आपने अक्टूबर में खरीदा है तो आपको क्या करना है, तो आपको इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन देना है, कितना महीने का डेप्रिसिएशन देना है 6 महीने का, तो पहले कितना परसेंट डेप्रिसिएशन देना है वो बताओ, देखो आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट में दिया ही हुआ है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%, तो मैं पहले इस पे डेप्रिसिएशन दे देती हूँ, राइट, तो 5,000 का पहले 10 निकालती हूँ 500, ईजी है, 10 का आधा 250, ये हो गया 250 डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट 5%, लेकिन कितने महीने का आया ये 12 महीने का आया है, कितने महीने का आया है 12 महीने का, बिकॉज 5,000 का 10% मैंने शॉर्टकट सिखाया है आपको, 5,000 का 10% 500 का आधा 250, राइट, तो ये 5% आ गया, 5% पूरे साल का है, क्या आपने ये फर्नीचर पूरे साल खरीदा, पूरे साल का था, नहीं ये फर्नीचर आपका सिर्फ 6 महीने का था, तो इसका आधा That is 125, 6 महीने into 6 divided by 12 करोगे तो भी आपका आंसर आएगा 125, क्लियर। नाउ 8,000 पे पूरा 5% तो मेरे को निकालने नहीं आता, हमारे पास शॉर्टकट है, हमारे पास दिमाग है, 8,000 का 10% 800, 800 का आधा 400, ये हो गया 5%, मतलब इस पे 400 और इस पे 125, तो मतलब मैंने टोटल फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना दिया, 13,000 फर्नीचर है माइनस डेप्रिसिएशन दिया 525, ओके तो 13,000 में से माइनस करेंगे 525, यू विल गेट 12,475, एनी डाउट क्लास, समझा सबको, हाँ 8,000 पे भी मैंने 5% ही निकाला क्योंकि 5% डेप्रिसिएशन बोला ना, सी ऑन नेक्स्ट एडजस्टमेंट डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%, तो 4,000 पे 8,000 है, 8,000 का पहले 10 निकाला जो 800 का आधा 400, ये 5% हो गया, राइट, 13,000 की जो मशीन थी, 13,000 की मशीन में से 5,000 की अक्टूबर में खरीदी है, फर्नीचर जो था सॉरी 5,000 की अक्टूबर में खरीदी और 8,000 आपने शुरू से आपके पास चल रही, मैंने आपको ये बताया है कि आपके पास 13,000 कपड़े हैं, अभी 13,000 जो कपड़े हैं उसमें से 5,000 तो अक्टूबर में खरीदे हैं, तो अक्टूबर में खरीदे हैं, हाँ बोलो, ओके ठीक है, 13,000 जो 13,000 ठीक है क्लास, 13,000 जो आपके कपड़े हैं उसमें से 5,000 कपड़े आपने अक्टूबर में खरीदे, ठीक है, और बाकी आपके पास शुरू से ही थे, ओके तो 5,000 का पहले मैं 10% निकालूंगी क्योंकि मुझे 5% चाहिए, तो 5,000 का 10% होता है 500, वो 10% आया, 10% नहीं मुझे 5% चाहिए, तो 500 का आधा 250,
वो 5% हो गया, लेकिन वो पूरे साल का है। आपको क्या पूरे साल आप उस पर डेप्रिसिएशन देंगे? आप कब से पहनना शुरू करेंगे? अक्टूबर से, मतलब 6 महीना। तो 250 का आधा 125, राइट, और बाकी 8,000 पे पूरा 5% जो आता है 400। तो टोटल डेप्रिसिएशन मैंने कितना दे दिया, 400 और 125 कितना होगा, 525। क्लियर, राइट। अब ये 525 का दूसरा इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, दैट इज 525। एनी डाउट क्लास? ये एडजस्टमेंट्स पहले भी प्लांट एंड मशीनरी की आ गई है, जो सम नंबर 7 हमने किया था, उसका लिंक मैं आपको आपके ग्रुप पे भेजूंगी, डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी। ये एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन मैं फिर से वो वाला आपको लिंक भेजूंगी, ताकि आपको ध्यान आ जाए कि ऐसा हमने पहले भी किया है। तो लुक एट दैट, वो आप पहले देखें, आप पहले वो वाला लेक्चर भी सुनो, ओके? तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम चीज प्लांट एंड मशीनरी के साथ हुई थी उस सम में, इस सम में किसके साथ हुई, फर्नीचर के साथ हुई। आया समझ में? आया सबको समझ में अच्छे से? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट किसके बारे में बोला था, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट बोला था डेप्रिसिएशन, फोर्थ और फिफ्थ एडजस्टमेंट क्लास लिंक्ड है। फोर्थ और फिफ्थ एडजस्टमेंट इज लिंक्ड, ओके? फोर्थ में फर्नीचर के बारे में बताया था आपने, फर्नीचर खरीदा अक्टूबर में और नीचे बोल दिया डेप्रिसिएशन दे दो फर्नीचर पे, ओके? और फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट में और क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है। कितना लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन देना है क्लास? आपको लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन देना है 10%। 10% तो मैडम हमको आता है निकालने, 10% हमें अच्छे से आता है। नाउ सी टू इट, लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग ढूंढो। लैंड एंड बिल्डिंग इज मेंशनड, कहीं दिया नहीं है, हाँ दिया ना, 22,000। 10% है तो माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज 2,200। तो बाहर कितना जाएगा, 22,000 माइनस 2,200, 19,800। ये डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट हम लोग देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग 2,200। एनी डाउट्स क्लास? डेप्रिसिएशन इज ईजी, डेप्रिसिएशन में कभी भी मिस्टेक मत करना, डेप्रिसिएशन बहुत ईजी है। सेम इफेक्ट एसेट्स में से माइनस, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। एनी डाउट्स? क्लियर सबको? ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो मेरा डेप्रिसिएशन हो गया, फोर्थ एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट साइमल्टेनियसली सॉल्व हो गई। अब तो बचा क्या है, हमारी सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट, दैट इज आउटस्टैंडिंग, ओके? आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। क्या बाकी है? खर्चा बाकी है। कौन कौन से खर्चे बाकी है? दो खर्चे, एक वेजेस बाकी है और एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाकी है। वेजेस कितना है, विल सी टू इट, वेजेस हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं, टू वेजेस। ट्रायल बैलेंस में चेक करो कितना वेजेस है, ट्रायल बैलेंस में वेजेस दिए हैं 950 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना है बस आउटस्टैंडिंग वेजेस 300। तो बाहर जाएगा 9 + 3 = 12, 1250। ये आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट हम देंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस। लायबिलिटी साइड कितना, 300, राइट? अब किसका बोलना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देखो आपको दिया होगा, यस दिया है। कहाँ दिया है, ट्रायल बैलेंस में। तो टू इलेक्ट्रिसिटी, मैंने ट्रेडिंग में क्यों नहीं लिखा, मैंने ट्रेडिंग में इसलिए नहीं लिखा बिकॉज ये इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड है। यही चीज अगर पावर होती, यही चीज अगर पावर होती तो मैं ट्रेडिंग में लिखती, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ है तो इसलिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लिखूंगी, ओके? तो कितना दिया है, हिंदी मीडियम वाले वर्ड है ना, राइट इन ट्रेडिंग अकाउंट, एंड इंग्लिश मीडियम वाले वर्ड जो होंगे वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी मुझे दिया है 1450 प्लस आउटस्टैंडिंग, हाउ मच आउटस्टैंडिंग इज, द आउटस्टैंडिंग इज 200। तो बाहर जाएगा 1650। यही आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट, दैट इज बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड 200। एनी डाउट्स क्लास? नाउ मेरी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है,
मेरी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ व्हाट इज कैपिटल क्लास? कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल मतलब हमने पार्टनर्स ने बिजनेस को पैसा दिया, राइट? जब ओनर अपने पैसा लेकर आता है बिजनेस में तो उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं. जब ओनर बिजनेस में पैसा डालता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल. अब से फॉर एग्जांपल, मैंने अगर आपको पैसा दिया, अगर मैंने आपको पैसा फ्री में दूंगी क्या? नहीं. क्या लूंगी आपसे? इंटरेस्ट लूंगी. फ्री में मैं आपको पैसा देने वाली नहीं हूं. क्या लूंगी आपसे? इंटरेस्ट लूंगी. ठीक है. तो सेम वे ओनर ने भी बिजनेस को पैसा दिया, तो ओनर बिजनेस से क्या लेगा? ओनर बिजनेस से इंटरेस्ट लेगा. डोंट यूज रट्टाफिकेशन, अपना लॉजिक यूज करो. रट्टाफिकेशन मत करना. बहुत सिंपल कंसेप्ट बताती हूँ. जब ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, ओके, कैपिटल का मतलब यही होता है ना, ओनर बिजनेस में पैसा लाया. जब ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो ओनर क्या करेगा? ओनर इंटरेस्ट लेगा बिजनेस से. तो ओनर के लिए वो इंटरेस्ट क्या है? ओनर के लिए वो इंटरेस्ट इनकम है या एक्सपेंस है? ओनर के लिए वो इंटरेस्ट इनकम है. तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. किस पे निकालना है इंटरेस्ट? कैपिटल पे निकालना है. कितना परसेंट निकालना है? 3%. तो विल चेक इट आउट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैपिटल कितना है वो भी साथ साथ लिख देती हूँ. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैपिटल है मेरा कितना? 40,000 and 20,000. तो 40,000 and 20,000 का 3%, तो 40,000 × 3/100, तो कितना आया? 400 × 3 = 1200. वैसे 20,000 × 3/100 = 600. आया समझ में? पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर के जो भी ट्रांजेक्शन है राइट ऑन द क्रेडिट साइड. इनकम है तो क्रेडिट. अगर यही चीज एक्सपेंस होती तो मैं डेबिट में लिखती. अगर पार्टनर के लिए इनकम है तो बट ऑब्वियस है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है. तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दोनों को मर्ज करके लिख सकते हो. मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं अमाउंट के कॉलम में भी लिख देती हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे. ठीक है. आई थिंक आपको ये चीज पता है. 1200 और 600 दोनों मिला के हुआ कितना? 1800. आया समझ में क्लास? ओके, वी हैड डन विद ऑल द एडजस्टमेंट्स. हमने सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर दी. अब हम लोग सॉल्व करेंगे आपका ट्रायल बैलेंस. सबसे पहला दिया है ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक. कितना है ओपनिंग स्टॉक क्लास? ओपनिंग स्टॉक है 8,560. नेक्स्ट दिया है पेटेंट जो हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. आई थिंक क्लास ध्यान देना, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. व्हाट इज मेंशन? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. स्टेशनरी नहीं बोला है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोला है. क्लास स्टॉक है, ओके, तो आपको एसेट्स में लिखना है. ठीक है. खाली स्टेशनरी होता तो मैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखती, लेकिन खाली स्टेशनरी नहीं है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है. खाली स्टेशनरी वो एक्सपेंस बन जाता है, लेकिन स्टॉक बोला जाए तो स्टॉक आपका एसेट्स है. बिकॉज डेबिट का मतलब होता है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट मतलब या तो एक्सपेंस या तो एसेट्स. ओके, खाली स्टेशनरी वर्ड है तो मैं उसे एक्सपेंस मानूंगी, लेकिन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है तो वो आपका एक्सपेंस नहीं है, वो आपका एसेट्स है. तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है भाई? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 3000, राइट? नेक्स्ट क्लास फिर दिया है आपको, राइट? नाउ नेक्स्ट व्हाट इज गिवन क्लास? नेक्स्ट आपको दिया है ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क इज योर एसेट्स. ट्रेडमार्क मैंने आपको कहा है, आपको देख के पता चल जाता है. ऑडी का ट्रेडमार्क क्या है? ये ऑडी है ना, ठीक है, देखते ही हमें पता चल जाता है ये ऑडी का है. BMW का क्या है? ऐसे करके ऐसे ऐसे लाइंस होती है, राइट? तो ये BMW है. हाँ सॉरी मर्सिडीज, सॉरी मर्सिडीज है. ओके, तो व्हाट वी यूज टू डू, हम लोग पहचान लेते हैं ट्रेडमार्क से, हम लोग पहचान लेते हैं. तो वो ट्रेडमार्क क्या है हमारा? ऐसे BMW में तो खाली ऐसे BMW लिखा हुआ रहता है, राइट?
है ना, बीएमडब्ल्यू में लिखा है, सर्कल में लिखा हुआ रहता है बीएमडब्ल्यू। ओके तो कितना है मेरा, मेरा ट्रेडमार्क है 2000, तो ट्रेडमार्क मेरा एसेट्स है। नाउ नेक्स्ट, ट्रेडमार्क के बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल वो भी सब डेबिट में दिया है, तो वो भी मेरे क्या है, वो भी मेरे एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल कितने हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल है 6300। नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो हो गया, वेजेस हो गया, हीटिंग एंड लाइटिंग। क्लास क्या वर्ड दिया है, हीटिंग एंड लाइटिंग, बताओ कहाँ आएगा। एक्सपेंस तो है, डेबिट में दिया है तो एक्सपेंस तो है। यस ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। हीटिंग एंड लाइटिंग है, हीटिंग क्या हीटिंग है, अरे हीटिंग थोड़ी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इट्स नॉट अ इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड। खाली लाइटिंग वर्ड होता ना लाइटिंग, तो मैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखती, लाइट्स लगाई, लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग क्या होता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस में, बिकॉज ये फैक्ट्री के रिलेटेड एक्सपेंस है, गुड्स को बनाने का खर्चा है, ठीक है। ओके क्लास, हम लोगों ने हीटिंग एंड लाइटिंग लिख दिया था, हीटिंग एंड लाइटिंग कितना है 1000 जो ट्रेडिंग एक्सपेंस में हमने लिख दिया। नेक्स्ट आपको दिया है क्या, ट्रेड एक्सपेंस। अच्छा क्लास ट्रेड एक्सपेंस कहाँ आएगा, रीजन बताओ पहले क्यों नहीं लिखा, ट्रेड एक्सपेंस कहाँ आएगा, यस ट्रेड एक्सपेंस कहाँ आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, राइट, ट्रेड एक्सपेंस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। टू ट्रेड एक्सपेंस कितना है, ट्रेड एक्सपेंस 850। क्लास एक सेकेंड, विल चेक वन थिंग, एक सेकेंड, विल चेक वन थिंग। ओके एक चीज हम लोग चेक करेंगे, ट्रेड एक्सपेंस हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों लिखा, व्हाई वी हैव रिटन ट्रेड एक्सपेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स का है इसलिए, यस किसी ने कुछ बोल रहे थे, चेक करना होता है ना, क्या क्या बोलो, कंप्लीट करो, व्हाट वी हैव टू चेक इट आउट, क्या चेक करना है। मैंने पहले भी आप ऐसा कुछ होता है, याद नहीं आ रहा ना, हाँ कुछ का है तो ट्रेडिंग करते हैं, यस ध्यान दो, ट्रेड एक्सपेंस अगर आपको दिया है ट्रायल बैलेंस में, अगर आपको ट्रेड एक्सपेंस दिया है तो आपको पहले चेक करना है क्या इसमें जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है, क्या जनरल एक्सपेंस दिया है क्या, चेक करो, चेक करो फास्ट। नहीं दिया ना, या मिसलिनियस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस ऐसे कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है पक्का, ओके तो क्लास ध्यान दो, अगर इसमें आपको जनरल एक्सपेंस वगैरह नहीं दिया है तो ट्रेड एक्सपेंस हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। अगर यही सारी चीजें जनरल एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस कुछ दिया जाएगा तो ट्रेड एक्सपेंस को मैं ट्रेडिंग में लिखूंगी। आई रिपीट, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला इफ ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंस है, क्या है, ट्रेड एक्सपेंस है, तो आप उसे कहाँ लिखेंगे, तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे। लेकिन कंडीशन है, हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में क्यों लिखेंगे, अगर मेरे क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस और मिसलिनियस एक्सपेंस अगर कुछ है तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखूंगी। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, और आई रिपीट क्या बोला मैंने, इफ द, देखो अच्छा डू वन थिंग, राइट अ नोट इन योर, अपने नोटबुक में एक सेंटेंस लिखो जो मैं लिखवा रही हूँ, राइट, write one sentence, if trial balance contains trade expense, if trial balance contains trade expense only,
if trial balance contains trade expense only. It will be shown on the debit side of profit and loss account. It will be shown on the debit side. It will be shown on the debit side of profit and loss account. It will be shown on the debit side of profit and loss account. Likha. If trial balance contains trade expense only, it will be shown on the debit side of profit and loss account. Clear? Right? Now next line. Write in the next line. If trial balance contains trade expense plus office expense plus general expense plus miscellaneous expense. If trial balance contains trade expense plus sundry expense plus office expense plus general expense plus miscellaneous expense. Bolo. Kya? Miscellaneous expense ke baad, the item trade expense will be shown on debit side of trading account and all other expenses will be shown in profit and loss account. Clear? अब ये जो मैंने इंग्लिश में बोला इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ. क्या बोल रही हूँ कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस तो आप उसे कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में. जो पहले सेंटेंस लिखा आपने ये लिखा, इफ ट्रायल बैलेंस कंटेन ट्रेड एक्सपेंस ओनली, देन इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, तो मेरे अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में दिखाऊंगी. अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ नमक मिर्ची भी है, दैट इज जनरल एक्सपेंस भी है, ऑफिस एक्सपेंस भी है, मिसलिनियस एक्सपेंस भी है, तो ट्रेड एक्सपेंस को ट्रेडिंग में दिखाओ और बाकी सारे एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओ. क्लियर? अगर मेरे ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस तो मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊंगी. लेकिन ट्रेड एक्सपेंस के साथ ऑफिस एक्सपेंस भी है, जनरल एक्सपेंस भी है, सन्ड्री एक्सपेंस भी है, मिसलिनियस कुछ भी है, तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा और बाकी सारे एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे. ठीक है, अब बताओ मेरे सम में ट्रेड एक्सपेंस के साथ कुछ और दिया है आपको? नहीं दिया ना. और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया. तो खाली ट्रेड एक्सपेंस दिया है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में. अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ ऑफिस एक्सपेंस ये सारी चीजें होती तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाता और बाकी नमक मिर्ची, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस सब जाता प्रॉफिट एंड लॉस में. क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट दिया है सेल्स रिटर्न. सेल्स में से माइनस करेंगे रिटर्न्स. कितना दिया है रिटर्न्स? रिटर्न्स मुझे दिया है 400.
नेक्स्ट दिया लैंड एंड बिल्डिंग, वो तो मैंने लिख लिया, डेप्रिसिएशन जब दिया था तब लिख लिया था, फर्नीचर हो गया, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक इज योर एसेट्स, कैश एट बैंक कितना दिया है, कैश एट बैंक 5000। नेक्स्ट क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगेन योर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट भी कहाँ आएगा, एसेट साइड, कितना दिया है इन्वेस्टमेंट, इट इज मेंशन 7500। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, ड्रॉइंग्स, नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड, टू ड्रॉइंग्स, डेबिट में दिया है तो डेबिट में ही लिखेंगे, कितना दिया है अर्चना का 1200 एंड प्रेरणा का 900, दोनों लिख दिया। डोंट चेंज द साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, बेटेस, बेटेस जब उनो बनाया था तब कंप्लीट कर दिया था, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, टू परचेज, कितना दिया है परचेज 23700, राइट, क्लियर हो गया। नाउ विल सी द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट में क्या क्या दिया है देखते हैं, जो दिया है सबसे पहले कैपिटल, वो कैपिटल मैंने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था तब कैपिटल लिख दिया था। नाउ नेक्स्ट अदर लोन्स, अदर लोन्स, अदर दिया है आगे वर्ड और लोन्स दिया है, डजंट मैटर, लोन्स इज योर लायबिलिटी, ओके, चाहे वो अदर हो, सन्ड्री हो, कोई भी लोन हो, लोन दिया है मतलब वो लायबिलिटी है, राइट, कंसिडर दैट, क्लास, अगर आपको क्रेडिट में दिया है, एक्सक्यूज मी, अगर आपको क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट या तो इनकम होती है या तो लायबिलिटी होती है, तो ये मेरी क्या है, लायबिलिटी है, कितना है लोन्स 3000। नेक्स्ट रिजर्व फंड, रिजर्व, रिजर्व फंड भी याद रखना, या तो इनकम है या तो लायबिलिटी है, क्रेडिट दिया है, क्रेडिट या तो इनकम होता है या तो लायबिलिटी होती है, ओके, रिजर्व फंड नाम का कुछ भी इनकम नहीं होता है, रिजर्व फंड नाम का कुछ भी इनकम नहीं होता है, तो रिजर्व फंड हमारी क्या होती है, रिजर्व फंड हमारी लायबिलिटीज होती है। नेक्स्ट व्हाट इज मेंशन, नेक्स्ट मेंशन है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे क्या है, लायबिलिटी है, हमेशा याद रखना, वापस से याद दिला रही हूँ, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड नाम की कोई इनकम नहीं होती है, रिजर्व में पड़ा हुआ पैसा, रिजर्व फंड इसकी आपकी लायबिलिटी है, कितने हैं क्रेडिटर्स 17500। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल पे करना बाकी है, दैट इज बिल्स पेएबल, वो भी आपकी लायबिलिटी है, कितने हैं बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल है आपके 5000। नेक्स्ट क्या मेंशन है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस करेंगे, कितना है परचेज रिटर्न 1000, आउटर कॉलम में लेके जाएंगे 22700। नेक्स्ट क्या है आरडीडी, उनो बनाया था तो आरडीडी सॉल्व कर दिया था। नेक्स्ट है सेल्स, सेल्स है 30200 और 30200 में से 400 माइनस करेंगे रिटर्न्स का तो कितना आएगा 29800। नेक्स्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड दिया है, क्रेडिट में दिया है, या तो मेरा इनकम है या तो मेरी लायबिलिटी है, बताओ क्या है इंटरेस्ट, इनकम है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, नया वर्ड है 310 रुपया, राइट, मेरी ट्रायल बैलेंस की पूरी पोस्टिंग हो गई। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब इसका टोटल करेंगे, मेरा सम कम्प्लीट हुआ, दैट इज 41800। अब चेक करेंगे डेबिट साइड का टोटल कितना है, विल सी टू इट, 8560 प्लस 22700 प्लस 1250 प्लस 1000, टोटल आया 33150। अगेन मेरा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, माइनस करेंगे तो मेरा जीपी आएगा 2GP8290 41800, राइट। नाउ बाय जीपी, कितना है जीपी 8290, विल मेक अ टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे जो आ रहा है 0056 8600, राइट 8600 टोटल आ रहा है। अब डेबिट साइड का टोटल चेक करेंगे, दैट इज 500 प्लस
250 comes up to 715 plus 525 plus 2200 plus 1650 plus 1800 plus 850. So total aaya 7775. Again क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है तो क्रेडिट साइड के टोटल में से माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आया, बहुत कम नेट प्रॉफिट आया, एट, यस आपका प्रॉफिट आया 825, राइट 825 आपका टोटल आया, डेबिट में आया, क्रेडिट में लेके जाएंगे मतलब बाय नेट प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेंगे क्लास, आपको रेशियो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, द रेशियो इज 2:1, तो 825 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 कितना आया 550, पहले वाले का आया 275, किसका आया प्रेरणा का, राइट। नाउ विल मेक अ टोटल, टोटल करेंगे 40,000 प्लस 1200 प्लस 550 कम्स अप टू 41,750। अब क्रेडिट के टोटल में से हम लोग डेबिट वाला टोटल माइनस करेंगे, मेरा क्रेडिट का टोटल है 41,750 उसमें से 1200 गया तो बचा 40,550। सेम वे प्रेरणा का क्रेडिट का टोटल करेंगे जो आया 20,875, उसमें से 900 माइनस करेंगे, ओके 20875 माइनस 900 कम्स अप टू 19,975, राइट। बैलेंस कौन सी साइड आया क्लास, बैलेंस डेबिट साइड आया, कहाँ लेके जाएंगे क्रेडिट साइड मतलब कैपिटल ए एंड पी, कैपिटल इसका आया 40,550 और प्रेरणा का आया 19,975। नाउ विल मेक अ टोटल एंड सी टू एट कि आपका टेली हुआ है या नहीं हुआ है, मेक अ टोटल 17,525 एंड विल मेक विल चेक ऑफ एसेट साइड, दोनों साइड का सेम है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं 1750 1240 1750 1700 2000 2000 3000 6300 5000 एंड 7500 यस द टोटल इज 87,525 सेम आया राइट मेरा टोटल सेम है क्लास मेरा बैलेंस शीट का एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों टेली हुआ है मतलब हमारा सम सही है राइट हमेशा याद रखो अगर आपका सेम आता है तो आपका सम सही है एंड यू गेट अ फुल मार्क्स, ओके आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है आपको सारी फॉर्मेलिटी अच्छे से लिखनी है, डेबिट क्रेडिट पूरा लिखना है हर जगह पे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, ये शुरू से ही आदत डालो आप कि आपको पूरा चीज हर सम की प्रैक्टिस भी कर रहे हो, घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरा लिखो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। इससे क्या होगा आपको ये पता चलेगा कि आपका कितना टाइम लगता है आपको पूरे सम को कंप्लीट होने में, राइट। आप तो आपको एक हैबिट बन जाएगी। बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट में फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखते हैं, बैलेंस शीट में एज ऑन 31 मार्च 2019। क्लियर क्लास, आज का लेक्चर यही एंड है, ये आज का लेक्चर यही एंड है, हम लोग फिर से मिलेंगे, ओके नेक्स्ट लेक्चर में सेम टाइम विद द न्यू सम, ओके विद द न्यू सम, होप यस यस ओके आई होप आपको आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, जिसको नहीं क्लियर हुआ है सी माई फर्स्ट लेक्चर से बिगिन करो एंड यू विल गेट कि आपको हमने सम्स कैसे दिए हैं, एक एक सम को वापस से देखो, सॉल्व करो उसे, अपने टेक्स्ट बुक देखो, अपने
रफ बुक में सॉल्व करो, बट यू हैव टू सॉल्व. जैसे मैं दिए कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, आपका रिविजन भी होता रहेगा. मेरा फाइनल अकाउंट्स इज अप टू द एज, फाइनल अकाउंट्स एज खत्म होने वाला है, राइट. एंड वी हैड डन प्लेंटी ऑफ सम्स, 10 सम तो हमने उसके किए हैं. उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 20 सम हम लोग हर चैप्टर के करते हैं, इस फाइनल अकाउंट्स के भी किए हैं. विल होप फॉर द और भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. ऐसा नहीं है फाइनल अकाउंट्स एंड, लेकिन अब मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करना ही पड़ेगा, राइट. बट फाइनल अकाउंट्स मेरा ख़त्म हो गया है, फिर भी मैं आपको सम्स भेजूंगी और आपको फाइनल अकाउंट्स की अपने आप प्रैक्टिस भी करनी है, राइट. सीधा फर्स्ट लेक्चर, आगे के लेक्चर्स देखो, अपने कंसेप्ट फिर से क्लियर करो, राइट. हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे सेम टाइम पे विद द न्यू सम, राइट. बाय बाय क्लास.